मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना को अवैध बताया है, साथ ही इसे निरस्त की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए नियुक्ति पूरी तरह से विधि सम्मत बताया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति में पूरी तरह से नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया है। लोकायुक्त की नियुक्ति के पूर्व नेता प्रतिपक्ष को लिखित में जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पूरी तरह विधि संगत सभी तरह की प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार हुई है। उमंग सिंघार जी को स्वयं इसकी लिखित में जानकारी दी गई, दूरभाष पर भी उनको इसकी पूरी तरह से इत्तला दी गई थी। उच्च अधिकारियों ने उनसे स्वयं बातचीत करके उन्हें इसकी लिखित में जानकारी दी गई थी।